वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो गाइस, आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट। आप सोच रहे होंगे आज माइनक्राफ्ट क्यों, सीओडी क्यों नहीं। सो गाइस, वैसे भी सीओडी के 8 वीडियोस हो गए थे, तो मैंने सोचा माइनक्राफ्ट का कोई अच्छा सा वीडियो बनाता हूं। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा हाउस बनाया है, सबसे हटकर वो जो फ्यूचर हाउस बनाया था उससे भी अच्छा, और कॉन्सेप्ट हाउस 2 बनाया था उससे भी अच्छा। तो ये एक ऐसा हाउस है, मतलब जो आजकल के मॉडर्न हाउस होते ना, बड़े बड़े, वैसा हाउस बना है। तो मेरे वीडियो को देखने से पहले मेरी चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मेरे हर वीडियो को करो लाइक, और कमेंट करना कि आपको इसमें बेस्ट रूम कौन सा लगा। तो गाइस, स्टार्ट करते वीडियो को। तो गाइस, ये देखो मेरा नया इनक्रेडिबल हाउस। तो इसका स्विमिंग पूल देखो, बहुत ही बड़ा है ये घर, मैंने सबसे बड़ा घर इस वर्ल्ड में बनाया। तो गाइस, आपने एक्सटीरियर तो देख लिया आपने, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे इंटरेस्टिंग इंटीरियर। तो ये है डोर इसका, एकदम साइड डोर लगा रखे मैंने। ये है हॉल, जहाँ पे है ऊपर टीवी, आपको पूरा दिखाता हूँ मैं। ये है लार्ज साइज हॉल, टीवी भी है यहाँ। ये एक फायर कैंप है, और यहाँ बुक्स और ऊपर रॉड्स लगी हुई है लाइट वाली, और यहाँ पे भी बुक्स है नीचे फायर कैंप पे। और ये भी हॉल है एक फुल लार्ज साइज, यहाँ पे भी टीवी है, ऊपर लाइटिंग्स है, ये कारपेट है, और ये डाइनिंग टेबल है सब, ये भी फुल लार्ज साइज डाइनिंग टेबल है। यहाँ एक किचन, फुल ओपन किचन है, और यहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज हैं, आपको कुछ रखना हो तो आपको दिखा भी देता हूँ। तो गाइस, अब इसको बंद करते हैं। देखो साइड में से भी मैंने लगा रखा, ये बहुत ही कूल है। ये देखो लार्ज साइज चेस्ट लगा रखे मैंने यहाँ ऊपर भी लाइट से। अब मैं आपको दिखाने वाला रूम्स। तो ऊपर चलते स्टेयर्स से, तो ये देखो, ये बहुत ही लग्जरी, मतलब जो बोलते ना असली लग्जरी, ये है वो वैसा रूम। लग्जरी टेबल है, आप उसका दूसरा रूम दिखाता है, ये वैसा ही है दो रूम। ये एक गेस्ट रूम टाइप है, एकदम लग्जरी टाइप। यहाँ पर मैंने सिटिंग के लिए भी कुछ बना रखा है कि किसी को बैठना हो। ये है बेड, चेस्ट लगा रखा है, अलमारी भी है, ये देखो टेबल भी लगा रखी, बालकनी भी है इसमें। वहाँ की चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो अब हम चलते हैं ऊपर की साइड। जो मैंने सबसे कॉन्सेप्टिक जो चीज़ बना रखी ना, वो ये है। यहाँ पे है स्टेयर्स, यहाँ पे एक छोटा सा हॉल बना रखा है मैंने ऐसी टीवी देखने के लिए, टीवी वॉचर्स के लिए। ऊपर लाइटिंग भी लगा रखी है फुल साइज टीवी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना नया और सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हाउस, कॉन्सेप्ट रूम। ये है मेरा कॉन्सेप्ट रूम, बेड्स लगे हुए हैं, कारपेट पूरी रूम में लगा हुआ है। देखो ये फुल साइज टीवी, यहाँ पे बुक्स भी है, अलमीरा भी मैंने साइड में लगा रखा है, और ऊपर पूरी लाइटिंग है। और ये देखो, अब मैंने अपने फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स रूम है, ये भी बहुत ही अच्छा है। इसका अलमीरा बहुत ऊपर तक बनाया, चेस्ट सारे, और यहाँ पे एक बेड, सिंगल साइज बेड, और एक लार्ज चेस्ट भी लगा रखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के ऊपर का मेरा खुद का पर्सनल कॉन्सेप्ट बाथरूम, वो भी बहुत अच्छा है। तो अब दिखाता हूँ, ये है कॉन्सेप्ट बाथरूम। यहाँ पर मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाई है, एक टब है, ये है शॉवर। अरे ये क्या हो गया, हाँ अब निकलेगा, सॉरी। ये है शॉवर, इस बटन, एक बटन प्रेस करने से बंद चालू। ये फुल साइज टब है, यहाँ पे टॉवल्स भी लगा रखे मैंने, और कमोड सीट तो बहुत ही एकदम, देखो वन लिवर वन डाउन वन अप, यहाँ पे हाथ धोने के लिए भी लगा रखा है। और एक चीज़ मैं भूल गया आपको दिखाने के लिए, जो मैंने खुद लगाई है, ये मेरी जो एनचेंटेड सॉल्ट है, आकाश डायमंड सॉल्ट लगा रखी मैंने। देखो अब मैं आपको एक और बार बाहर से पूरा व्यू दिखाता हूँ, नीचे चलो। और ये हाउस जो बनाया ना मैंने, सारे जितने भी अलग दूसरा हाउस बनाए, सबसे ह्यूज है, सबसे बड़ा हाउस अभी तक बनाया। और गेट को क्लोज करके आपको बाहर से व्यू दिखाता हूँ। तो देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मेरे हर वीडियो को करो लाइक, और कमेंट करना कि आपको कैसा लगा।